अभी हम जा रहे हैं डैम की तरफ, तो डैम की आवाज मेरे ख्याल में हम लोग सुन सकते हैं। पानी पानी का हो रहा है ना, पानी का शोर जो है ना हमें यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हम डैम के पास पहुँचने वाले हैं। अच्छा, आप लोग पढ़ते भी हो? कौन सी क्लास में? सर आपका हम नाम है सलीम। वेरी गुड यार, मेरा नाम सलीम है यार। कैसे हो भाई? सकलैन। आपका? आप तीनों पढ़ते हैं? तीनों नौवीं क्लास में हो? तो यहाँ पे है कोई कॉलेज वगैरह? लेकिन कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का नाम क्या? अच्छा अच्छा, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं नौवीं क्लास में? नौवीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अच्छा, मैं फिजिक्स, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन करता हूँ। ओ यार, आज सबसे आसान, सबसे आसान फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ये गलत बात है। फिजिक्स की डेफिनेशन सुना दो यार, एक सेकंड। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने न्यूटन का नाम सुना होगा? न्यूटन कौन था? कौन था वो? एक साइंटिस्ट था। अच्छा, उसने क्या किया? उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। जबरदस्त यार, पांच छह चैप्टर से बताया मुझे। अच्छा चलिए, ऐसा आपने किया तो लास्ट वन, क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद बाकिर। बाकिर, आप ना मुझे सबसे आसान डेफिनेशन सुना दें फिजिक्स के, जो है ना आप मुझे सुना दो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? दोस्तों से, भाइयों से एक क्वेश्चन किया फिजिक्स का, तीनों से फिजिक्स के क्वेश्चन किया और तीनों ने बड़े ही अच्छे जवाब दिए। अब केमिस्ट्री के बारी, एक सवाल यार, यार आप तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। लास्ट राउंड, लास्ट राउंड। Atom is the tiny particle of an element. Well done. जबरदस्त, क्या बात है यार, जबरदस्त। Next, आप बताएं। हाँ जी, molecule. Molecule, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छा literacy rate है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यानी पढ़ने वाले। दो या दो से ज़्यादा atoms जुड़े हुए हैं। कमाल हो गया यार, जबरदस्त। Compound. Compound. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स। क्या बात, जबरदस्त सर, दो से ज्यादा। एक्सीलेंट यार, आज हमें प्रूफ मिल गया कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, पढ़ने वाले हो। थैंक यू वेरी मच यार, जबरदस्त। ये तो ये मेरे ख्याल से हमने गलत किया। नहीं, वैसे हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं नदीम भाई, आप हमारे सबसे सीनियर हैं, तो आपके ख्याल में बच्चों ने कैसा जवाब दिया, सही था या गलत दिया उन्होंने? अगर आप सेटिस्फेक्शन उनको स्कोर दें तो आप कितने देंगे 100 में? मैं कहता हूँ कि उनको 7/10 दूंगा मैं, क्योंकि वो जिस हिसाब से उन्होंने कॉन्फिडेंस से बोले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, और देखे ना, एक अनजान बंदे के साथ वो सडन, हमने उनसे क्वेश्चन किया फिजिक्स, उसके बाद फिरोज साहब ने केमिस्ट्री के साथ क्वेश्चन किया। बायो वाले ये सुल्तान साहब नाराज हो के, मुझे लगता है आके आगे से निभरना ये भी क्वेश्चन करते हैं। अपनी अलग से व्लॉग वीडियो बना रहा था जो ये, हम इस टाइम जो है एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है मीनापीन नगर वैली में, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेमार वो खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से इसका जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे एक दो सवाल करने कर सकते हैं अगर इजाज़त हो तो, इसके हवाले से? थैंक यू, मेहरबानी सर। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम साहब, इब्राहिम साहब, ये आप अभी क्या बना रहे हैं? ये चारदीवारी। चारदीवारी कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे, हम ना बेसिकली हम पंजाब से हैं, भावलपुर से हैं। हाँ। तो हमें ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, हम इससे हम वीडियोस बना रहे हैं अपने पास मेमोरी सेव करने के लिए। तो हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी ना ईंटें बनाई, छोटी छोटी ईंटें होती हैं, बड़ी बड़ी ईंटें, छोटी छोटी ईंट होती है, आपने देखी होगी ईंटें। तो ये पत्थर को किस तरह से आपने बिल्कुल एक लेवल में बना लिया? कैसे रखते हो ये देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे हम ईंटें जोड़ते हैं, ये पत्थर जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे कर लेते हैं आप साथ? बस ऐसे थोड़े से बनाते हैं सर। कैसे? इससे बनाते। अच्छा, मतलब अगर ये पत्थर पड़े हुए हैं तो आपने इसको कैसे सेट किया? तोड़ सकता हूँ मैं। अच्छा, मतलब सीधा करते जाएंगे, मतलब ये है, मसाला नहीं लगाते आप, मसाला नहीं लगा रहे आप? मसाले बाद में, इसके ऊपर डीपीसी लगा, डीपीसी डायरेक्ट लगाएगा? नहीं तो ये मोटी इंटी रखेगा? नहीं नहीं सर, तो देखिए नीचे बेस में तो आपने कुछ नहीं लगाया हुआ ना? हिलेगा नहीं? ये देखिए, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, पूरा मकान आपने इसी तरह से बनाया? बनाया
नहीं नीचे डीपीसी तक। नहीं वो देखे ना, वो डीपीसी पहले इन्होंने बनाया पहले ऊपर यही लगाते हम, फिर डीपीसी फिर इंटर मतलब इसमें सिरे लगाते हैं, सरिये लगाते हैं, सिरे लगाते हैं, बीम लगाते हैं ना, बीम के ऊपर मतलब ईटे लगाते हैं। ठीक है, मतलब तो ये हुआ कि आप ये नीचे बेस बना रहे हैं। हाँ, बेस बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, उसके ऊपर फिर आप वो जो सीमेंट मसाला और बजरी सरिया वगैरह वो डालेंगे, इसके ऊपर आएगा। 70-80 लाख में बनता है। अच्छा, ये जो पहाड़ है इसके ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए होते हैं, तो वो क्या पहाड़ की कैसे आप मलकियत वगैरह लेते हैं या क्या होता है उसका? इसका मलकियत है ना, ये चरागाह होते हैं। अच्छा ठीक हो गया, गवर्नमेंट का कोई वो नहीं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। ये देखें जी, मीनापीर नगर वैली के अंदर जो है ना एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, और हमने देखा कि किस तरह उन्होंने पत्थर पे वर्किंग की है और एक हैमर के साथ उसको सेट करते हैं। पहले ये बेस बना रहे हैं, उसके बाद जो है ना उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर हम सरिया भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, सारा सारा पत्थर से सामान जो है ना, पत्थर का मटीरियल पड़ा हुआ है और उसी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये देखें कितनी तरतीब से, आप देख सकते हैं कि इन पत्थरों को आपस में कितनी खूबसूरती और मेहनत से जोड़ा गया, और बड़ी ही महारत से इसको जना फिर उसके ऊपर उन्होंने स्पोर्ट लगा दी है। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, दूध ठंडा करने वाली मशीन। अगर आप देखें तो ये दूध है और ये आबशार से आए हुए पानी है ना, उनके अंदर रखा गया है, जिससे ये दूध ठंडा रहता है काफ़ी देर तक। बहुत ही आउटस्टैंडिंग, मुझे ये बड़ा ज़बरदस्त लगा तरीका। कैसे लगे सर आपको? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जी, जाहिर बात है कि ये इलाका बहुत फार ऑफ प्लेस पर है, तो यहाँ पे वसाइल की कमी के बाइस लोग जो है वो ठंडा रखने के लिए आबशार ये चेक करें, इस्तेमाल करते हैं दूध को ठंडा करने वाली मशीन। बहुत अच्छा आइडिया है। फ्रिज है जी, फ्रिज। ये क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये देखें जी, ये दूध इन्होंने आबशार से जो पानी आ रहा है ना ठंडा, उसमें रख दिया इन्होंने, और यहीं पर इतना ठंडा हो जाएगा ये पानी कि ये बाकी टाइम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फ्रिज के तौर पे काम कर रहा है। ओके जी, आगे मूव करते हैं, आगे आपको और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाले हैं। अब हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। घर हमें मिला है जिसमें बहुत खूबसूरत सेब लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा क्या हुआ? अरे हाँ, ये आप देख रहे हैं पक्का हुआ है, पक्का सेब है। इस तरह लगा जैसे हमारे इलाके में बेर लगे होते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। ओके, आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट डैम के करीब है और मेरे बैक साइड पे आप पहाड़ देख सकते हैं, ब्लैक, काफ़ी हाइट में। मोबाइल से तो हम इनकी हाइट को नहीं बता सकते, बट बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग। ऑलमोस्ट डैम के करीब, साफ आवाज़ सुनाई दे रही है, थोड़ी सी हाइट है, और ये हमारे दो लेजेंड्स। प्लीज सर। यस यस, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द डैम ऑफ क्रोई डैम, मीनापीन नगर वैली, और इसके तलाश में बड़ी देर से हम सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में जैसे हमने देखा कि एक फ्रिज हमने देखा, नेचुरल फ्रिज था नेचुरल दूसरा हमने वहाँ पे देखा कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और यहाँ काफ़ी चढ़ाई है, यहाँ हाइकिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और आपको एहतियात भी करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ यहाँ पे काफी गोल है, मैं कहता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, आप आगे चले, आप आगे चले, हाइकिंग करनी है, एक बात आपने ध्यान में रखनी है और वो ये है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं, घबराना नहीं। ओके, आप चले, हमारे दो बंदे रह गए, जल्दी आए सर, आप लोगों का वेट है, हरी अब भागते हुए नगर वैली। यार मैं ये वैली देखना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत। आप अगर ये वैली देखना चाहते हैं तो एक तरीका ये है, आप इधर रुकें, आप वैली देखें, हम डैम विजिट करके आते हैं। नहीं, मैंने हर चीज देखनी है, हर चीज। हर चीज का मतलब? हर चीज का मतलब यहाँ पे जो चीज नजर आएगी। अच्छा, मैं आपको एक अपनी अपनी बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि पहले मुझे एक बार बड़ी परेशान करती थी कि लैंडस्लाइडिंग कैसे होती है। मैं ये क्वेश्चन मेरे माइंड में ना बड़ी देर से था, ये मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल से पहले की बात है। तो जब मैंने 3 साल पहले जब मैं बलूचिस्तान गया, क्वेटा गया, वहाँ मैंने घूमना शुरू किया, तो फिर वहाँ पे रास्ते में पत्थर वगैरह गिरे पड़े थे, रोड ब्लॉक होता था, तो तब मुझे जाके पता चला कि ऊपर जो पत्थर हैं, जैसे कि ये पत्थर ऊपर बन रहे हैं। अब होता ही है कि यहाँ पर जब बारिश होती है
सॉरी सर्दियों के सीज़न में लेट सपोज इन केस ऑफ दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा इन पीक्स के ऊपर आइस होती है, तो जब वो आइस मेल्ट होती है जून जुलाई में तो होता ही है कि फिर बर्फ जैसे वहाँ से निकलती है तो गैप आ जाता है, कुछ पत्थर जो है ना मेल्ट, पानी जैसे मेल्ट होता है तो पत्थर जो है ना उस पानी के साथ फ्लो होते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो कहीं रास्ते में जो है ना गड्ढे वगैरह बन जाते हैं, तो इस तरह फिर वहाँ से पत्थर अपनी जगह छोड़ के नीचे की तरफ मूव करते हैं क्योंकि इंक्लाइन प्लेन होती है, तो इस तरह जब पत्थर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। ये देखिए ये लैंडस्लाइडिंग है, हम बिल्कुल डैम के पास पहुंचने वाले हैं। इस समय मैं मौजूद हूं मीनापीन नगर वैली के अंदर और मैं एक डैम साइट के पास आया हूं जहां पे एक डैम कंप्लीट किया गया है और इस डैम की बड़ी प्यारी खूबसूरत आवाज़ आप सुन सकते हैं, वाटरफॉल की बहुत ही प्यारी आवाज़ है। जमंदी भाव भैया